नमस्कार साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द त्रिमूर्ति इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उनके बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। शेर पंजाब लाला लाजपत राय के बारे में हमने जाना कि लाला लाजपत राय ने किस तरह से साइमन कमीशन का विरोध किया और जिसके बाद उनके गंभीर चोट आई और जिसके परिणाम स्वरूप उनका देहांत हो गया। चंद्रशेखर और भगत सिंह ने किस तरह से इस ब्रिटिश हिंसा का बदला लिया और जिसके बाद उन्हें अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ी। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती में विश्वास रखने वाले लाला लाजपत राय की कर्मस्थली विशेष रूप से वैदिक दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और पंजाब लाहौर का क्षेत्र रहा, जहाँ से उन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन किया, पत्रिकाओं का लेखन किया और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस त्रिमूर्ति में से दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक थे जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक है, जिन्हें आम जनता लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानती है। आइए बाल गंगाधर तिलक की जीवन के बारे में तथ्यात्मक इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले कि बाल गंगाधर राव तिलक का जो नाम था वह केशव बाल गंगाधर राव तिलक के नाम से ही जाना जाता था। केशव गंगाधर राव तिलक का जन्म महाराष्ट्र की रत्नगिरी में हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक की जो कर्मस्थली और जन्मस्थली है वह विशेष रूप से दक्षिण भारत रहा है और महाराष्ट्र के रत्नगिरी, तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी का जो हिस्सा था, महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में इनका जन्म हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो एक धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और इसीलिए उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज और गीता रहस्य नामक पुस्तकें भी जेल में रहते हुए लिखी हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म साथियों उस काल में हुआ जब भारत में पहले स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि रची जा रही थी। 23 जुलाई 1856 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत में लॉर्ड डेहलो जी का कार्यकाल हुआ करता था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डेहलो जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। लॉर्ड डेहलो जी एक निरंकुश शासक थे और इन लॉर्ड डेहलो जी के समय भारत की अनेक देशी रियासतों को हड़पा गया था। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी आपने सुना होगा। 1848 से 1856 तक का जो ब्रिटिश साम्राज्य का शासनकाल था वह बड़ा ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आतताई और निरंकुश शासन था। ऐसे शासनकाल में जन्म लेने वाले बाल गंगाधर तिलक आगे चलकर एक ओजस्वी वक्ता और उग्र राष्ट्रवाद के प्रतीक या सांस्कृतिक और धार्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता बने और गरम दल के प्रमुख नेता बने। साथियों बाल गंगाधर तिलक के पिता का नाम गंगाधर जैसा आप नाम में देख रहे हैं गंगाधर राव था और माता का नाम पार्वती बाई था। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया जिनका जिक्र किया जाना सूचनात्मक तथ्य के रूप में बहुत ही प्रबल है। इन पत्रिकाओं में जो दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, एक पत्रिका का नाम केसरी था जो कि मराठा भाषा में प्रकाशित होती थी और दूसरी पत्रिका का नाम मराठा था जो कि अंग्रेजी भाषा में पब्लिश होती थी। साथियों जो दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत परेशान किया। ब्रिटिश साम्राज्य के सामने विचार और जन जागृति का जो भारतीय नेशनलिज्म का हम कह सकते हैं वह कॉन्सेप्ट डिजाइन किया इन पत्रिकाओं में केसरी और मराठा दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी। इन्हीं पत्रिकाओं की बदौलत और इनमें लेख लिखने के कारण बाल गंगाधर तिलक को दो बार जेल में जाना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे और उन्होंने भारत में ही वकालत की शिक्षा प्राप्त की। वो
बाहर जाकर वकालत की शिक्षा प्राप्त करके नहीं आई। पेशे से वकील होने के बावजूद भी पहली बार जो घटना थी वह 1897 की है, जिसका हम जिक्र करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहली घटना 1897 की है, जब पूना में प्लेग की महामारी फैली और इस महामारी के बाद जो व्यवस्था की गई वह व्यवस्था न होकर अव्यवस्था थी। अर्थात जिन जो लोग इस बीमारी से पीड़ित थे उन लोगों को घरों से बाहर निकाल कर उनके बर्तनों को और उनको समुद्री किनारों पर छोड़कर आ गए कि ताकि प्लेग की महामारी फैले नहीं। इस व्यवस्था के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्रिका में जिम्मेदार बताया उस समय जो पुणे के अधीक्षक थे, जिनमें मिस्टर रेंट और आर्यस्ट प्रमुख थे, दोनों का नाम उसने अपने पत्रिका में प्रकाशित किया। तिलक की पत्रिका में इस खबर को या केसरी में जो पत्रिका प्रकाशित की पत्रिका में जो विचार वर्षा प्रकाशित की गई, केसरी की इस खबर के कारण रेन और आर्यस्ट की हत्या कर दी गई। ये है पहली राजनीतिक हत्या थी, यूरोपियन की पहली राजनीतिक हत्या थी जो भारत में एक पब्लिक स्वरूप में की गई। और इस समय मिस्टर रेंड और आर्यस्ट की चापे कर बंदों के द्वारा हत्या कर दी गई। चापे पर बंदों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया, फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन चापे कर बंदों को उकसाने के लिए और उनको इस घटना को अंजाम देने के लिए केसरी पत्रिका को जिम्मेदार ठहराया गया और इसलिए बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की सजा दी गई। दूसरा, 1908 से 1914 ईस्वी में ऐसा घटनाक्रम हुआ, फिर से बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और राजद्रोह के आरोप के आधार पर उन्हें वर्तमान म्यांमार में जो स्थित है, वह उस समय बर्मा जिसे कहा जाता था, मांडले जेल में 6 वर्ष की सजा प्रदान की गई। और इसलिए बाल गंगाधर तिलक 1908 से 1914 तक म्यांमार की किस मांडले जेल में रहे। साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने इसी समय 1908 से 1914 की अवधि में जब वो जेल में बंद थे तो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं, जिनमें एक का नाम था गीता रहस्य, जिसे आप सीक्रेट ऑफ भगवत गीता के नाम से जानते हो, और दूसरा दी आर्कटिक होम इन दी वेदाज, तो वेदों में जो आर्य हैं उनका आर्कटिक होम ऑफ आर्कटिक होम इन दी वेदाज, आर्कटिक होम इन दी वेदाज, वेदों की बात यहाँ की गई, वेदों में आर्यों का कौन सा घर बताया गया, कहाँ से आर्य भारत में आए थे, इस बात को बाल गंगाधर तिलक क्लेम कर रहे हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी, बहुत सी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से ये हैं। जब बाल गंगाधर तिलक से कहा गया कि आप मांडले जेल में आपको सजा दी जा रही है 6 साल की सेग्रीगेशन आरोप में, आपको अपने पक्ष में कुछ कहना है, तो साथियों तिलक ने कहा कि मैं ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिस जीवन में मेरा ब्रिटिशर के साथ संघर्ष नहीं होगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक का चिंतन था और इसलिए बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश साम्राज्य अपने लिए खतरा मानता था और इसी कारण से उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दी। ब्रिटिश विचारक वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का टाइटल था इंडियन अनरेस्ट, जिसका के विरुद्ध मुकदमा लड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक ब्रिटेन भी गए। इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति, जहाँ पर उन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा है कि भारत में अगर कोई अशांति है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ तो उस अशांति का जनक कौन है, इनमें वो नाम लिया उन्होंने एक आर्य समाज और दूसरे बाल गंगाधर तिलक, जिनकी वजह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा है या अशांति या हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने भले ही इंडियन अनरेस्ट में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज को बताया हो, लेकिन वास्तव में जो बाल गंगाधर तिलक का योगदान था वे एक हिंसा में नहीं था, अहिंसा का योगदान था। उन्होंने किसी को नहीं मारा, किसी की तलवार से बंदूक से हत्या नहीं की। और कुछ जो ब्रिटिश स्कॉलर हैं उन्हें इंडियन टेररिस्ट के नाम से भी पुकारते हैं, परंतु एज ए इंडियन वी कैन से दैट बाल गंगाधर तिलक वाजी नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवादी चिंतक थे जिन्होंने राष्ट्र की स्वराज के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। साथियों, तिलक का जो कांग्रेस में मतभेद था वह उनके साधनों को लेकर था, और जिसमें
स्वराज की प्राप्ति के जो साधन थे उन्होंने सबसे पहले स्वदेशी की बात कही कि स्वदेशी को अपनाया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने इसी के साथ जुड़ी अवधारणा है जिसे बहिष्कार के नाम से जाना जाता है, बहिष्कार की नीति का समर्थन किया। और इसी के साथ साथ जो पाश्चात्य शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा है, उसके स्थान पर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा और संस्थान की स्थापना की भी बात कही। 1905 का जो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था, उस बंगाल विभाजन आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके बाद भंग विरोधी आंदोलन इसको कहा जाता है, बंगाल का विभाजन नहीं किया जाए इसलिए आंदोलन किया गया। बड़े स्तर पर यह आंदोलन हुआ और यह आंदोलन सफल भी रहा। उसके बाद कांग्रेस के जो उदारवादी चिंतक थे उनसे लेकर बाल गंगाधर तिलक के मतभेद हो गए और इसलिए ये मतभेद उजागर हुए 1907 के राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जिसे सूरत फूट के नाम से या विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। और 1907 का ये राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो इस 23वें अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस के 23 अधिवेशन में अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई, रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो भागों में विभाजित हो गई, हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस से विभाजित होए जा रही है तो टुकड़े की बात हम कहते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो टुकड़े यहाँ पर हो गए और दो गुट बन गए, जिनमें एक गुट का नाम था गरम दल जिसको आप कह सकते हो, और दूसरा जो पहला गरम दल और दूसरा नरम दल, या उदारवादी भी आप इनको कह सकते हो और उग्रवादी उग्रपंथी भी आप किस एक्सट्रीमिस्ट इनको कहा जाता है, तो गरम दल और दूसरा नरम दल। तो नरम दल जो था वह उदारवादी दल था, जो कांग्रेस का मूल दल था, जिस नरम दल में विशेष रूप से दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, जबकि दूसरी तरफ जो गरम दल था उसके समर्थकों में त्रिमूर्ति, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे जिन्होंने गरम दल का नेतृत्व किया। हालांकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1914 से 1917 में जो आयरलिस महिला थी, जिनका नाम अगर आपको पता हो तो एनी बेसेंट के नाम से इनको जाना जाता है, एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, जहां पर वहां एक होम रूल आंदोलन चलाया गया था कि भले आप ब्रिटिशर हमारे ऊपर शासन करें लेकिन भारत के अंदर का शासन, आयरलैंड के अंदर का शासन भारतीय लोग खुद चलाएंगे, और इसलिए होम रूल आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने ये कहा, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, स्वराज जो है वह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बर्थ राइट्स की उन्होंने बात कही है और मैं इसे लेकर रहूँगा, आई सेल हैव इट, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा कब दिया, यह घोषणा कब की, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये उन्होंने होम रूल मूवमेंट के दौरान आंदोलन में नारा दिया, स्लोगन दिया, और 1917 में ये आंदोलन समाप्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक निर्णय केवल विभाजन के लिए उत्तरदायी थे, अपितु बाल गंगाधर तिलक ने 1918 में लखनऊ पैक्ट करवाया, और लखनऊ पैक्ट न केवल मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ अपितु गरम दल और नरम दल को पुनः एक मंच पर लाया गया, एक मंच साझा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जोड़ने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लखनऊ पैक्ट के माध्यम से एक असफल निरर्थक प्रयास इन्होंने किया जो आगे नहीं बढ़ पाया। 1 अगस्त 1920 की तारीख को बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया और न केवल उनकी जन्म तारीख 1857 के स्वाधीनता संग्राम से पहले का स्वरूप था, अपितु इस तारीख को महात्मा गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का एक रत्न और सितारा हमसे दूर चला गया लेकिन हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और इसलिए उन्होंने एक बड़े आंदोलन की शुरू करने की बात कही जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये थी बाल गंगाधर तिलक की सूचनात्मक स्वरूप या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को भी
शुरू किया महाराष्ट्र में 1893 और 1895 में सांस्कृतिक एकता के लिए, धार्मिक एकता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्होंने इन उत्सवों को मनाना शुरू किया। इसी के साथ बाल गंगाधर तिलक सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में चाहते थे कि सुधार जो है वो भारतीयों की तरफ से हो, न कि पहल अंग्रेजों की तरफ से की जाए, इसलिए उन्हें रूढ़िवादी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बाल गंगाधर तिलक सामाजिक सुधारवादी कम थे, धार्मिक सुधारवादी कम थे, राजनीतिक सुधारवादी या स्वराज का उन्हें मुख्य समर्थक माना जाता था। ये थे बाल गंगाधर तिलक। तीसरे जो महत्वपूर्ण विचारक की हम बात कर रहे हैं वो विपिन चंद्र पाल थे। और कंटिन्यू में हम विपिन चंद्र पाल का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के पोल गांव में हुआ जो हबीबगंज जिले में है, और उस समय बंगाल के सिलहट में जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। विपिन चंद्र पाल के पिताजी का नाम रामचंद्र पाल था। इनका जन्म वैष्णव कायस्थ परिवार में 7 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ, 1857 क्रांति के बाद। ये ब्रह्म समाज के सदस्य भी बने और बाल विधवा विवाह के कारण इन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ा। विपिन चंद्रपाल त्रिमूर्ति में से एक थे जिनमें हम कहते हैं कि पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के विपिन चंद्रपाल, ये त्रिमूर्ति थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। इस त्रिमूर्ति में से विपिन चंद्रपाल एक ऑरेटर थे, वक्ता थे, एक लेखक थे। वो सक्रिय राजनीति में कम सक्रिय थे और लेखन और साहित्य में ज़्यादा सक्रिय थे। यही कारण है कि उन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन जब 1911 में बंगाल विभाजन विरोधी जो घोषणा थी रद्द कर दी गई, उसके बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और लेखन में वो जुट गए। इसीलिए उन्हें भारतीय क्रांतिकारी चिंतन का जनक भी कहा जाता है। वो एक वक्ता, लेखक और राष्ट्रवादी चिंतक थे। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जिनमें द डेमोक्रेट, द इंडियन इंडिपेंडेंट, न्यू इंडिया, प्रीदर्शक, ट्रिब्यून, वंदे मातरम और स्वराज नामक पत्रिकाओं और पत्रों का उन्होंने प्रकाशन किया। विपिन चंद्रपाल ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने की प्रेरणा प्रदान करती है, जिनमें एन इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ हिंदुज्म 1908, द सॉल ऑफ इंडिया 1911, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1911 श्री कृष्णा। विपिन चंद्रपाल सक्रिय राजनीति से में बहुत कम भाग लिया उन्होंने, और 1900 लिखा हुआ बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में भाग लिया, लेकिन 1911 के बाद सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। विपिन चंद्रपाल का ये चिंतन था कि सामाजिक क्षेत्र में जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, और हमें एक समानता पर आधारित भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। तो साथियों, ये थे तीन महत्वपूर्ण विचारक राष्ट्रीय आंदोलन में, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल, जिनके विचारों के बारे में हमने जाना। इस व्याख्यान श्रृंखला में इंडियन पॉलिटिकल थॉट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट वी आर डिस्कस, बट नेक्स्ट एंटाइटल विल बी रिलीज एज इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स कंसेप्ट एंड ट्रुथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सत्यता क्या है, अवधारणाएं क्या हैं, जहां हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल आइडियाज, रिलीजियस आइडियाज, सोशल आइडियाज एंड नेशनल आइडियाज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, मोनार्की से लेकर डेमोक्रेसी तक। थैंक यू सो मच।